मधुबन तहसील क्षेत्र के गंगूपुर स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के संयुक्त अध्यापकों ने कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश के बैनर तले केवल एक मांग पुरानी पेंशन बहाल हो के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले चल रहे संघर्ष के दूसरे चरण में शिक्षकों ने 3 दिन पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है, जिसके तहत बुधवार को शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाओ के समस्त शिक्षकों ने कलम बंद हड़ताल कर पुरानी पेंशन मांग का समर्थन किया। इस बाबत उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन पांडे ने निर्देशित किया कि समस्त शिक्षक शिक्षिका 29-30-31 को कार्य बहिष्कार कर दोपहर 12 बजे तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं शिक्षक संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता सूर्यभान शर्मा ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो 8 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर भानुमति, रणंजय मल, प्रेम सागर, अलका, अब्दुल्ला, प्रियंका, मालती, शशि सिंह, अर्चना, बेबी आदि लोग उपस्थित थे। आज आप जो है कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, तो यह कार्य बहिष्कार किस वास्ते है? हम लोगों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन जो 2004 में अटल जी की सरकार थी उन्होंने पुरानी पेंशन हम लोगों का ख़त्म कर दिया और आज हम लोगों का कार्य बहिष्कार इसी उद्देश्य से है कि हम लोग पुरानी पेंशन बहाल मंच के तले आकर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोगों का बहिष्कार हो रहा है। जो कि सरकार आती है, एक दिन के लिए विधायक बनते हैं, पार्षद बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है और जो कि कर्मचारी शिक्षक जो भी 62 साल अपनी उम्र बिता देता है उनकी पेंशन नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं उनकी तरह हम लोगों को भी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल हो और लागू हो। तो आज का जो है कि पठन पाठन नहीं होगा विद्यालय में? जी, आज का पठन पाठन हम लोगों का बहिष्कार है, कलम बंद है, चाक बंद रहेगा। जो कि हम लोग बाकी बच्चे आए कलम नहीं उठाएंगे, चाक नहीं उठाएंगे, विद्यालय में दिन भर उपस्थित रहेंगे। जी, हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग पुरानी पेंशन की एकमात्र मांग है कि हमको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तो आज आप विद्यालय में होकर भी और जो है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि वही पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तो ये बहिष्कार किस प्रकार का है? केवल हम अपनी उपस्थिति विद्यालय में देंगे, किंतु अपने संगठन के आह्वान पर हम 3 दिन का जो है कार्य बहिष्कार करेंगे। हम विद्यालय में रह करके भी कोई कार्य नहीं करेंगे। आखिर आप जो है जब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आज बच्चे जो है किस प्रकार पठन पाठन अपना करेंगे? बच्चों को तो हम लोग डेली पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है। सरकार को सुनाने के लिए मजबूर करने के लिए हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, ओके।